today i am going to talk about those clients who do not turn up for the therapy and they create lot of problems to the therapist and they are being called no show clients so i am going to give you the guidelines for therapy termination for those clients who do not show up uh, at their uh, appointment or at their set date therapy termination when client is repeatedly no show Therapists must deal with both practical and mental health concerns. When a client repeatedly no-shows and poses other practical concerns, a therapist loses time, and they could spend with other clients. Now, you have booked a slot that you are going to see the client at 9:30 p.m. Now, 9:30 p.m., client did show up. He did not give And that one hour, the whole one hour is going to be. वेस्टेड अब रिपीटिडली यही हो रहा है कि जो भी टाइम थेरेपिस्ट दे रहा है उस पर वो नो शो हो रहा है और जब ये सीन्स बढ़ते जाएंगे एक दो तीन चार पाँच दफ़ा तो इट दैट क्लाइंट इज क्लाइंट इज़ नॉट सीरियस एंड ही इज़ जस्ट वेस्टिंग द टाइम ऑफ द थेरेपिस्ट यू मे बी सरप्राइज इन वट केसेज दिस इज गोइंग टू हैपन समाइम्स कोई कंपनी अपने जो है वो एम्प्लॉय के लिए इस तरह की सर्विस रखती है कि वो उनकी असेसमेंट या उनकी रेगुलर वेलबींग uh, well के लिए कुछ असाइनमेंट्स uh, जो है वो इस तरह की थेरेपिस्ट को हायर करके दे देती है तो वहाँ पर चूंकि क्लाइंट के अपने पैसे नहीं लग रहे होते उसको कोई अपनी ऑब्लिगेशन नहीं फील हो रही होती तो वहाँ पर यह नो शो क्लाइंट्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है या इसके अलावा इस तरह के पर्सनैलिटी इशूज़ के साथ आने वाले क्लाइंट्स जो कि सीरियस नहीं होते जो बॉडर नहीं करते और जिनकी ट्रीटमेंट की तरफ अपनी इंसाइट नहीं होती और उनका ऑफकोर्स प्रोग्नोसिस भी अच्छा नहीं होता वो इस तरह की जो बिहेवियर्स हैं वो नो शो बिहेवियर्स ऐसे क्लाइंट्स बहुत रिपीटेडली करते हैं अ मे नीड टू टर्मिनेट थेरेपी विद अ क्लाइंट हु मेक अनरीजनेबल डिमांड्स समटाइम्स एक क्लाइंट कहते हैं कि जी मैं तो रात को एक बजे से पहले थेरेपी नहीं पे नहीं आ सकता आई नीड टू हैव ऑनलाइन थेरेपी इन द मिडल ऑफ द नाइट मुझे जब भी कभी को कोई स्ट्रेसफुल या कोई हार्मफुल थाट आएगी मैं उसी वक्त आपको कॉल करूंगा दीज आर द अनरीजनेबल डिमांड्स

और वो आपको एक कोई अपना प्रॉब्लम बता देते हैं नेक्स्ट टाइम वो कहता है जी मैं लेट हो गया बिकॉज मेरा ये प्रॉब्लम हो गया फिर थर्ड टाइम वो कहता है मैं होमवर्क असाइनमेंट नहीं कर सका बिकॉज मेरा ये इशू था फिर वो कुछ हेल्थ कंसर्नस बता देते हैं फिर वो कुछ जॉब के इशूज़ बता देता है और वो आपको कंसल्ट्रेशन के साथ अपनी थेरेपी पे फोकस ना खुद होता है ना होने देता है ऐसी सिचुएशन में भी उस तरह के क्लाइंट्स आपके लिए यूजलेस होते हैं क्योंकि वो खुद भी ठीक नहीं हो रहे और आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉबेबली उनको कुछ स्ट्रेटेजाइज करने के लिए किसी और बेहतर थेरेपिस्ट को हैंडल करना जरूरी है इट मीनस के वो आपके साथ क्लिक नहीं हो सका उसके आपके साथ रेबो स्टाबलिश नहीं हो सकी इफ द क्लाइंट डज नॉट कम टू थेरेपी सेशन थेरेपिस्ट शुड सेंड दैम अ टर्मिनेशन नोटिस नोटिस शुड बी सेंड यूजिंग द क्लाइंट्स प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन सच एज वो कहता है मुझे कॉल के थ्रू बताया जा सकता है ई मेल बताया जा सकता है या फिर बहुत सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं आजकल व्हाट्सएप पे बताया जा सकता है किसी भी तरह से बताया जा सकता है बट दैट शुड बी आज टू द क्लाइंट इन द बिगनिंग जब वो बायोडाटा फॉर्म फिल कर रहा होगा थेरेपिस्ट शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट इफ देर इज एन अदर प्रैक्टिकल इशू इट शुड बी प्रजेंटेड टू द क्लाइंट इन द नॉन स्टिगमेटाइज ऑब्जेक्टिव टर्म्स अगर हमें खुद महसूस होता है कि किसी एक खास प्रॉब्लम की वजह से क्लाइंट का बिहेवियर ठीक नहीं है उसको स्टिकमाटाइज नहीं करना उसको लेबल नहीं करना लेकिन उसको एड्रेस जरूर करना है और वो एड्रेस एक पॉजिटिव और हेल्दी मैनर में किया जाएगा एथिकल प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम इफ द थेरेपिस्ट अटेम्प्ट्स टू प्ले ऑन द क्लाइंट्स फियर्स इनसिक्योरिटीज और डिपेंडेंसीज एज अ बेसिस फॉर इनिशिएटिंग और कंटिन्यूइंग अननेसेसरी ट्रीटमेंट ये एक बहुत अनएथिकल सिचुएशन होगी कि एक क्लाइंट इनसिक्योर भी है वो थर्टन भी फील कर रहा है वो सेटिस्फाइड भी नहीं है कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी हो रही है लेकिन थेरेपिस्ट उसकी थेरेपी को कंटिन्यू करता ही चला जा रहा है उसको एंड अप कर ही नहीं रहा इफ़ द क्लाइंट इज़ नॉट विलिंग टू कंटिन्यू थेरेपी ड्यू टू एनी ऑफ द अबव रीजनस थेरेपिस्ट शुड रिस्पेक्ट देयर डिसीजन एंड द थेरेपी शुड बी टर्मिनेटेड इन टू अ वेरी ग्रेसफुल मैनर